Hello everyone, welcome back to the channel. We are continuing with the misconception series, and for today's video I want to address the question: what should be the angle between force and displacement for work done by the force to be minimum? When I was in my class 10, this question had created a lot of confusion. Kuch teachers answer iska 90 degree bata rahe the and kuch teachers bahut hi firmly iska answer 180 degree bata rahe the, and up to class 10 to mujhe kabhi kabhi 90 sahi lag raha tha, kabhi kabhi 180 sahi lag raha tha. आपको शायद इसका आंसर पता है. अगर एक लाइन में जानना है तो इसका आंसर है 90 डिग्री. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट. बट क्यों ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, हम इस मिसकंसेप्शन का रूट कॉज तक जाने वाले हैं. अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख नहीं पाएंगे तो आप बिल्कुल गलत है. हम देखने वाले हैं कि 180 डिग्री का वो केस क्यों कभी कभी मिनिमम लगता है एंड जो बिल्कुल लगना नहीं चाहिए. मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं. तो अगर आपको सिंपली एक लाइन में आंसर चाहिए, द आंसर इज 90, 180 बिल्कुल नहीं हो सकता, जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन भूल जाते हैं एंड हम ना तीनों केसेस को एनालाइज कर लेते हैं. सबसे पहली बात, केस नंबर वन. मेरा केस नंबर वन में आप फिजिकल सिचुएशन में देखना. मान लीजिए आपके पास, दिस इज ग्राउंड, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, and this object of mass m has a velocity v towards right. This object is already moving towards right. ठीक है? You are applying a force right now. Let's say now आप यहाँ पे आ गए and you are applying a force towards right. The object was already moving towards right and you are also applying a force towards right. So body naturally पहले भी towards right displace कर रहा था, अभी भी इसका displacement क्या होगा? Towards right. क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? आप बोलोगे भैया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में है, दैट मींस थीटा. द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री. इस सिचुएशन में क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज टुवर्ड्स राइट, सो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगा? आप मुझे बोलोगे कि भैया देख के ही पता चल रहा है ये जो फोर्स है ना, ये इस वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है. वेलोसिटी भी टुवर्ड्स राइट है, मैंने फोर्स भी लगाया टुवर्ड्स राइट. ये ऐसा सिचुएशन है, योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है एंड योर फ्रेंड इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. योर फ्रेंड इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड आप उसको पीछे से पुश कर रहे हो. योर फ्रेंड इज ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड विद साइकिलिंग एंड यू आर ऑल्सो पुशिंग योर फ्रेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट विल हैपन, कैन आई से in this situation force supports the velocity. जिस direction में force है उस direction में velocity है. क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप अपने friend का velocity increase करा रहे हो, that means velocity of the object increases. In other words, क्या आपको पता है कि जब भी हम किसी object के ऊपर force apply करते हैं, either हम उस object को energy supply करते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम या फिर उस ऑब्जेक्ट से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं. आप मुझे बताइए, इज द फोर्स सप्लाइंग एनर्जी टू द बॉडी और एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द बॉडी? आप मुझे बोलोगे कि भैया दिस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट, यू आर आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, दैट मींस नेचुरली यू आर सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट मींस यू आर सप्लाइंग एनर्जी टू द बॉडी, है ना? सो आई कैन से फोर्स इज supplying energy to the body, ठीक है? अगर हम work done निकालना चाहें, so work done तो मेरा हो जाता है F into S into cos theta. What is the angle between force and displacement? The angle between force and displacement is 0 degree. So F into S into cos 0 degree. Cos 0 का value कितना होता है? 1. That means work done comes out to be simple F into S. And this is my maximum पॉजिटिव वर्क. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री है, सो वी कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क. एक वर्ड यूज किया मैंने, पॉजिटिव. मैक्सिमम वर्क है बट पॉजिटिव है, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, ठीक है? क्योंकि आपने एकदम परफेक्टली मोशन को सपोर्ट किया. ओके, केस टू देख लेते हैं. केस टू, लेट्स से द ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग टूवर्ड्स राइट. आपका फ्रेंड साइकिल लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एंड आप उसको पीछे से पुल कर रहे हो, कुछ ऐसा.
you are applying a force towards left. The object was initially moving towards right and you are applying a force towards left. Can you tell me what is the angle between force and velocity या फिर force and displacement? जिस direction में velocity है उसी direction में displacement है, उन दोनों के बीच का angle कितना होगा? 180 degree. उन दोनों के बीच का angle कितना होगा? 180 degree. इस situation में आप मुझे बताना, क्या ये force इस velocity को support कर रहा है या oppose कर रहा है? आप बोलोगे कि भैया force opposes the motion. Force opposes the motion. Motion मतलब मेरे velocity को वो oppose कर रहा है. फिर सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या ये फोर्स बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर रहा है या बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है? क्या ये फोर्स बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर रहा है या बॉडी को एनर्जी बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है? आप बोलोगे कि भैया फोर्स तो अपोज कर रहा है बॉडी को. अब बॉडी अगर टुवर्ड्स राइट जा रही है, सो दिस बॉडी नेचुरली हैज सम काइनेटिक एनर्जी. इफ इट्स वेलोसिटी इज वी, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर. अगर बॉडी को रोकना है तो उसका काइनेटिक एनर्जी को मुझे कितना करना पड़ेगा? मुझे बिल्कुल बॉडी को स्टॉप करना है. देयर वाज अ मेरा फ्रेंड 5 meter per second स्पीड से जा रहा है. मुझे अगर उसको स्टॉप करना है तो मुझे उसका वेलोसिटी कितना कर देना होगा? जीरो. मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाना चाहिए? जीरो. तो मुझे उसके बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्या इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल. इस सिचुएशन में पुश करने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, रोकने के लिए भी तो उतना चाहिए. ठीक है, अगर मुझे 5 से 10 करना है किसी का वेलोसिटी, तो जितना पुश करना पड़ेगा, अगर 5 से 0 करना है उतना ही तो पुल करना पड़ेगा. तो इसमें क्या हो रहा है? फोर्स एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, अच्छा तो वर्क डन कितना आ रहा है मेरा? वर्क डन तो एफ एस कॉस थीटा. अब ऑब्जर्व करना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 180 डिग्री. मतलब एफ एस कॉस 180 डिग्री. एंड कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1. अगर आपको नहीं पता भैया, अब हमारे सिलेबस में तो कॉस 180 है नहीं है, बट हायर क्लासेस में आप जाके देखोगे ट्रिगोनोमेट्री का हायर एंगल्स में कॉस 180 -1 होता है. अभी के लिए आप बस पुट कर लो -1. ओके, माइनस एफ एस. अब एक बात बहुत ही अच्छे से समझो, इस माइनस साइन का मतलब क्या है? क्या इस माइनस साइन का मतलब लेस देन जीरो है? नहीं. फिजिक्स में मैंने एक वीडियो निकाला था, द मीनिंग ऑफ साइन कन्वेंशन. फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस मैथमेटिकल वाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन नहीं होता है. मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि इस केस में अगर आपने वर्क डन किया प्लस 10 जूल एंड इस केस में अगर आपने वर्क डन किया माइनस 10 जूल, तो क्या आप बोल सकते हो कि प्लस 10 जूल इज ग्रेटर देन माइनस 10 जूल? नहीं, क्योंकि दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डू नॉट कन्वे एनी मैथमेटिकल सेंस. तो भैया नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमने बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया. यहां पे वर्क डन प्लस एफएस आया, मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने बॉडी को सप्लाई किया. यहां पे वर्क डन माइनस एफएस आया, तो क्या ये मिनिमम वर्क डन है? लोग इस माइनस साइन को देख के बोल देते हैं मिनिमम है. ये मिनिमम वर्क डन नहीं है, ये भी मैक्सिमम वर्क डन है. बट मैक्सिमम क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन है. सो अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री हुआ, इस केस को बोलेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क. एंड अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री हुआ, ये भी मेरा मैक्सिमम वर्क है. डिफरेंस इतना है कि यहां पे सपोर्ट किया, यहां पे अपोज किया. क्या इसके आप बस ऐसे ही बैठे थे क्या? सपोज आपके सामने कोई बैल आ गया, उस बैल को आपको रस्सी से रोकना है, तो वो तो उधर जा रही है, सामने जा रही है, आपको उसको पुल करके रोकना है, तो क्या आपको एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी? क्या बोल सकते हो कि भैया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो 180 है, मतलब मिनिमम वर्क, आपने कुछ वर्क ही नहीं किया. ठीक है, पसीने छूट जाएंगे उसमें, राइट? सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, ये भी मैक्सिमम वर्क है, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. और थोड़ा क्लियर करता हूं मैं. सो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, फोर्स अपोजेस द मोशन. ओके, दिस डज नॉट कन्वे एनी मैथमेटिकल सेंस. अच्छा, लास्ट जो केस है, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री हुआ, तो मेरे पास स्पेस कम है, तो क्या मैं इसको बिठा दूं? पहले इतना नोट डाउन कर लो, पहले इसको फिर हम समराइज कर लेंगे. ठीक है,
तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। सो केस थ्री मेरा क्या है, केस थ्री तो ये है कि अगर मेरा फोर्स इधर है एंड वेलोसिटी, मतलब एक बॉडी था, अ बॉडी ऑफ मास m वाज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट एंड हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो क्या इस फोर्स ने इस वेलोसिटी को सपोर्ट किया? नहीं। आप बोलेंगे भैया वेलोसिटी तो है इस डायरेक्शन में एंड फोर्स तो है इस डायरेक्शन में ऊपर, तो इस फोर्स ने इस वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये वाला फोर्स प्योरली ऊपर की तरफ है, तो जो जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ अगर कोई वेलोसिटी होगा उसको ही सपोर्ट करेगा या उसको ही अपोज करेगा, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से देखो एन ई डब्ल्यू एस, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी तो ईस्ट की तरफ है एंड फोर्स इज टुवर्ड्स नॉर्थ, सो अ फोर्स व्हिच इज टुवर्ड्स नॉर्थ कैनॉट अफेक्ट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। सो इसको आप क्लास 11 वेक्टर्स में और थोड़ा डिटेल में समझोगे। एनीवेज व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स सपोर्ट्स द वेलोसिटी? नो। क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स अपोजेस द वेलोसिटी? नो। तो ये फोर्स का क्या पर्पस होगा? सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है, राइट। सो आई कैन से हियर फोर्स नाइदर सपोर्ट्स नॉर अपोजेस velocity, neither support nor opposes velocity. That means what can I say? Force doesn't supply or extract any energy from the body. ये भी एक important situation है, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है बट ना तो ये फोर्स बॉडी को कोई एनर्जी दे रहा है ना तो ये फोर्स बॉडी से कोई एनर्जी ले रहा है। सिंपली इसलिए हुआ क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है, सो इस फोर्स का कोई भी कॉम्पोनेंट कोई भी पार्ट इस डायरेक्शन में नहीं है। सो अगर वर्क डन आप निकालो, वर्क डन कितना आएगा? एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना है? cos 90 का वैल्यू कितना है? cos 90 का वैल्यू 0 है, सो वर्क डन कितना है? 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम वर्क। अब मैं मिसकंसेप्शन क्यों आया बताता हूं। लोगों को लगता है कि -10 0 से छोटा है, वो मैथ्स में ठीक है। मैथ्स में व्हेन वी से -10 दैट मींस लेस देन 0 ऑन द नंबर लाइन। इन फिजिक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डू नॉट कन्वे मैथमेटिकल सेंस। -10 जूल इज ग्रेटर देन 0 because minus sign is showing something else, minus sign is not that mathematical wala plus and minus। aapko samajh mein aa rahi hai ye baat? this is minimum work। to agar main conclude karu, agar main conclude karu sabko, to bahut acche se samjhiye ki ho kya raha hai, bahut acche se samjhiye ki ho kya raha। what is the conclusion? the conclusion is if in a particular situation work done is plus 10 joule, work done is -10 joule and work done is W1, W2 and W3 0 joule, तो सबसे मिनिमम कौन सा है आउट ऑफ प्लस 10 माइनस 10 एंड 0 व्हिच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन? आप बोलोगे भैया मैथ्स में तो सबसे कम है -10 नंबर लाइन में शो करे 0, इधर -10 एंड इधर प्लस 10, तो प्लस 10 मैक्सिमम है एंड -10 मिनिमम है। बिल्कुल गलत। हाँ मैथ्स में ठीक है बट फिजिक्स में बिल्कुल गलत। क्या मैं फिजिक्स में ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि फिजिक्स में ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन कोई मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करता। तो इस वर्क में प्लस 10 जूल को क्या बोलेंगे? दिस इज मैक्सिमम पॉजिटिव। माइनस 10 को क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम नेगेटिव। एक बॉडी ने वर्क किया प्लस 10 जूल, एक बॉडी ने वर्क किया माइनस 10 जूल, which work is greater? both the works are equal, so what is this minus sign showing? minus sign is showing that W2 का जो work है this has opposed the motion। force ने जब work किया तो force ने body से energy extract किया। minus sign क्या show करता है? force extracts energy from body, force extracts energy from body। plus sign क्या show करता है? force supplies energy to body, right? So मेरा conclusion है work done is equal to Fs cos theta।
अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क. अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. कई बुक्स में इसको मिनिमम वर्क बोलते हैं, ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है, राइट. एंड अगर 90 डिग्री हो गया तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क. एक छोटा सा मिसकंसेप्शन अभी भी आपका होगा जो क्लियर नहीं हुआ होगा, वो मैं क्लियर करता हूं. फिजिक्स ये तक खत्म है, अब थोड़ा मैथ्स में आ जाते हैं, थोड़ा सा मैथ्स में आ जाते हैं, वरना ये रह जाएगा, ठीक है. अब फिजिक्स खत्म, अब थोड़ा मैथ्स देखते हैं. मान लीजिए मैथ्स में कौन सा, ट्रिगोनोमेट्री में मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी है एक्स, एंड एक्स का वैल्यू इज समथिंग, मान लीजिए लेट्स से हमारे पास कोई क्वांटिटी है टी, एंड दैट इज एक्स वाई कॉस थीटा. सो देयर इज अ क्वांटिटी कॉल्ड टी, एंड द फॉर्मूला फॉर टी इज एक्स वाई कॉस थीटा. आपको टी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? टी का मैक्सिमम वैल्यू. तो एक्स का तो आपको कुछ पता नहीं, सो टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? टी का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब एक्स का भी मैक्सिमम हो जाए, बिकॉज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई एंड कॉस थीटा, सब कोई न्यूमरेटर में है. सो व्हेन विल टी बी मैक्सिमम? टी विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स विल बी मैक्सिमम, है ना, व्हेन वाई विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम. डू यू अग्री विथ मी? टी डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई एंड कॉस थीटा. व्हेन विल द वैल्यू ऑफ टी बी मैक्सिमम? व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, वाई इज मैक्सिमम, एंड कॉस थीटा इज मैक्सिमम, राइट. ओके, so I am finding out the value of t maximum. x का maximum value कुछ ना कुछ होगा, x ही मान लेते. y का maximum value y मान लेते, कुछ ना कुछ होगा ना. अच्छा, या फिर इनको x max y max ही रहने दो, x m y m बोल देते, right? cos theta का maximum value कितना होता है? cos theta का maximum value होता है 1. जब theta का value क्या होता है? जब theta का value अगर आपको maximum find out करना है, तो theta का value 0 degree. what is the maximum value of cos theta? अगर cos theta की बात करें आप, cos theta का value, cos theta का जो रेंज है, what is the range of cos theta in trigonometry? cos theta का रेंज है 1 से लेके -1. what is the maximum value of cos theta? 1. what is the minimum value of cos theta? -1. right? cos theta का वैल्यू 1 कब होता है? जब एंगल कितना है? 0 डिग्री. cos theta का वैल्यू -1 कब होता है? जब एंगल कितना है? 180 डिग्री. इसलिए कंफ्यूजन आया. जो फिजिक्स के जो टीचर्स होते हैं उनको ना तो फिजिक्स आती है ना तो मैथ्स आती है, दोनों, कुछ टीचर्स दोनों मर्ज अप कर देते हैं. एंड मुझे बहुत बुरा लगता है कि बहुत जनों को समझाने के बाद भी वो नहीं समझते, वो ये घुसाते रहते हैं इसमें. ये मैथ्स में ठीक है, अगर आपको टी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे, है ना, मतलब थीटा का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, सो दिस इज द वैल्यू. अगर टी का आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड टी मिनिमम, तो क्या होगा? x का मिनिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू, एंड cos थीटा का मिनिमम वैल्यू. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो t मिनिमम कितना आया? t मिनिमम आया x मिनिमम * y मिनिमम * cos -1. cos जब cos 180 होगा तो -1, सो ये कितना आया? माइनस x मिनिमम y मिनिमम. दैट मींस If I have a quantity, थोड़ा सा मिटा के बोल रहा हूं, अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है, मान लो P is equal to xy cos theta, and मुझे P का मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो थीटा को कितना पुट करना चाहिए? 0 डिग्री. P मैक्सिमम कब होगा? जब cos theta मैक्सिमम है. and cos theta मैक्सिमम कब होता है? जब 0 डिग्री होता है. तो P मैक्सिमम कितना आएगा? x into y into cos 0, that is xy. This is the value of P maximum. एक्स वाई के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसको ऐसे रहने दो, बस थीटा का कंडीशन देख ले. एंड पी इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस थीटा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पी मिनिमम. आई वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी. वो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. भैया अभी तो आपने बोला था थीटा 90 मिनिमम. अरे वो वर्क है, वो फिजिक्स का अलग है.
यहाँ पे तो ये क्वांटिटी पी एक्स वाई हमें पता नहीं है क्या है। देखिए वर्क को जब वो लोग डिफाइन करते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सो वर्क का मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो वर्क का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जीरो वर्क से कम वर्क नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तब ये मैथमेटिकल वाला मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं होता है, दिस इज अ वे इन विच वी कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ क्वांटिटी इन मैथमेटिक्स यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज करेक्ट फॉर ट्रिगोनोमेट्री। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क वी कैनॉट अप्लाई दिस फॉर दिस, द रीजन बीइंग बिकॉज वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हैज अ सिग्निफिकेंस। व्हेन आई से वर्क इज नेगेटिव, यहां पे जैसे ये आ रहा है पी मिनिमम माइनस एक्स वाई आएगा, क्या आएगा एक्स वाई कॉस 180, सो दैट इज हाउ मच माइनस एक्स वाई। सो इफ देर इज अ क्वांटिटी पी इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस थीटा इन मैथ्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी मैक्सिमम एक्स वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी मिनिमम माइनस एक्स वाई, बिकॉज दिस इज मैथ्स, बिकॉज हियर माइनस एक्स वाई इज लेस देन जीरो। अगर इसको नंबर लाइन में प्लॉट करें तो ये जीरो होगा, ये प्लस एक्स वाई दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड ये माइनस एक्स वाई दैट इज द मिनिमम वैल्यू। दिस इज ट्रू फॉर मैथ्स बिकॉज इन मैथ्स दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस दे आर कन्वेइंग मैथमेटिकल सेंस। इन फिजिक्स हाउएवर ये मैथ्स के लिए ट्रू है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, वर्क की बात करूं, तो वर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1, वर्क इज इक्वल टू प्लस एफ एस, दिस इज द मैक्सिमम, दिस द मैक्सिमम। वर्क का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये पूरा वर्क ही जीरो है। आप बोलोगे भैया वर्क का मिनिमम के लिए कॉस थीटा को थीटा का 180 पुट करो एंड वर्क का मिनिमम वैल्यू माइनस एफ एस, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि माइनस एफ एस का मतलब तो कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ा ना आपको। सबसे मिनिमम क्या होगा, कुछ वर्क ना करे या कुछ ना कुछ वर्क करे। माइनस एफ एस का मतलब क्या, आपने कुछ अपने नेगेटिव वर्क किया का क्या मतलब है, वर्क तो किया ना, नेगेटिव साइन का क्या शो करता है, नेगेटिव साइन तो सिर्फ ऐसा नहीं बोला चाहिए डायरेक्शन शो करता है, किस चीज का डायरेक्शन, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आपने बॉडी का मोशन को अपोज किया, समझ रहे हो। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क प्लस एफ एस, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क जीरो नॉट माइनस एफ एस। सो व्हाट इज माइनस एफ एस, माइनस एफ एस इज अगेन मैक्सिमम नेगेटिव इन केस ऑफ फिजिक्स, इन केस ऑफ फिजिक्स। मैं नंबर लाइन में तो प्लॉट नहीं कर सकता, बट आउट ऑफ प्लस एफ एस माइनस एफ एस एंड जीरो इन केस ऑफ फिजिक्स मैक्सिमम कौन है, ये दोनों ही मैक्सिमम है, एक को बोलेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव, एक को बोलेंगे मैक्सिमम नेगेटिव, एंड मिनिमम कौन है, जीरो है। आई होप आपको समझ में आया। मैथ्स में दैट वाज ट्रू बिकॉज व्हाई, मैथ्स में दैट वाज ट्रू बिकॉज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दे वर कन्वेइंग मैथमेटिकल, दे वर कन्वेइंग मैथमेटिकल सेंस। एंड इन मैथ्स वी वांट टू मिनिमाइज दिस क्वांटिटी, वी डू नॉट केयर अबाउट द नेचर ऑफ द क्वांटिटीज इन मैथ्स। In maths, all this p, x and y are simple variables. They do not have a special meaning. But work has a special meaning. And zero work से minimum इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए ना। मैंने आज work done zero किया। इससे कम मैं क्या कर सकता हूँ? आप बोलेंगे भाई इससे कम negative कर सकता हूँ। But उसका physical significance क्या है? Negative का मतलब थोड़ी ना, मतलब negative work कैसे करोगे आप? तो आपको negative work का meaning भी समझ में आ जाना चाहिए। तो I hope आप, मैंने आपको detail में समझाया है। फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है कि वर्क डन मैक्सिमम अगर पूछे एग्जाम में तो आप एंगल थीटा का वैल्यू क्या बोलोगे, जीरो भी बोल सकते हो, 180 भी बोल सकते हो, बट आप प्रेफर करो कि जीरो बोलना। अगर वो मैक्सिमम पूछे मैक्सिमम पॉजिटिव का बोलो। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी मैक्सिमम, इट इज जीरो डिग्री एंड इवन 180 डिग्री। जीरो डिग्री इज मैक्सिमम पॉजिटिव, 180 डिग्री इज मैक्सिमम नेगेटिव। सिर्फ मैक्सिमम बोले, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ना बोले, तो आप मान लो मैक्सिमम पॉजिटिव का आंसर दो, ठीक है। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर, व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन एंगल बिटवीन, व्हाट इज द, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्क डन टू बी मिनिमम, दैट शुड बी 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द कोरिस्पोंडिंग वर्क डन, जीरो। सो जीरो इज द मिनिमम वर्क डन। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा एंड इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई क्वेश्चंस एड्रेस करूं मेरे वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। तो तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।